हेलो ट्रेडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेटअप, जिसका नाम है 330 का फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, 330 का फॉर्मूला क्या है और ये मार्केट में कैसे वर्क करता है। तो इसको शुरू करने से पहले हम 330 के फॉर्मूले के लिए सेटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए पहले हम ये जो हमारा ये एवरेज है, पहले हम इसको निकालते हैं अपने ग्राफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और फिर हम 330 फॉर्मूले के लिए सेटिंग में जाएंगे इंडिकेटर्स पे। और इंडिकेटर्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हम इसको दो बार टैप करेंगे ताकि दो ये एप्लीकेबल हो जाए हमारे चार्ट पे। अभी एक ही हुआ है और फिर हम पहले ये निकालते हैं वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को और हम वापस से एक यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने एक और मूविंग एवरेज ऐड कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड कर लिया है। अब हम इसके सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम पहले आ जाते हैं यहाँ पे, लेंथ हम कर देंगे पहले वाले की 3 और उसके बाद हम आएंगे स्टाइल में और यहाँ पे हम इसमें इसके जो ये लाइन है इसकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे ताकि ये अच्छे से दिख सके। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ये हमारा हो गया एक और फिर हम दूसरे वाले की सेटिंग में जाएंगे, उसमें हम यहाँ 9 की जगह पे 30 करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसका 30 कर दिया है और विजिबिलिटी में हम इसकी थिकनेस वापस से बढ़ा लेंगे और इसका हम कलर कर देंगे रेड। उसके बाद वापस से ओके कर देंगे और ये हमारा हो गया बेसिक इंडिकेटर्स का यूज। और फिर चलिए इसको हम ग्राफ पे देखते हैं, 330 का फॉर्मूला ग्राफ पे कैसे वर्क करता है और इसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा। तो मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, जो कि 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जब नीचे से क्रॉस करेगी रेड वाली को, 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तब हमें यहाँ पे बाई का इंडिकेशन है। और जब यही ब्लू वाली लाइन ऊपर से क्रॉस ओवर करेगी नीचे के साइड 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तब हमें सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। ये जो 330 का एवरेज का फॉर्मूला है।
तो चलिए अब ग्राफ पे भी एक बार नजर डालते हैं, क्या ये वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है, और अगर ये वर्क कर रही है तो कितने एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रही है। तो पहला हमें जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे इसने नीचे से क्रॉस ओवर किया है इस पॉइंट पे अराउंड 11:25 की कैंडल पे 19 दिसंबर को, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा खासा मूव ऊपर के साइड आया है, तो इस जगह पे इसने वर्क किया है। और यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया अराउंड 3:50 की कैंडल पे, जो कि 14 दिसंबर को था, और उसके बाद नेक्स्ट डे ये गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि इसने वर्क किया है। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट ने जो ये ब्लू लाइन है, थ्री मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसने नीचे के साइड से क्रॉस ओवर किया है और ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 12:55 की कैंडल पे 13 दिसंबर को, और यहाँ से फिर उसने मार्केट ने काफी अच्छा खासा मूव ऊपर के साइड दिया है। और ऐसे ही जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अराउंड 12:35 की कैंडल पे मार्केट ने ऊपर से नीचे के साइड क्रॉस किया है 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और एक बुलिश कैंडल भी बनाई है, उसके बाद काफी अच्छा खासा मूव नीचे के साइड आया है, तो यहाँ पे भी इसने वर्क किया है। बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो और ये स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसने क्रॉस तो किया और यहाँ पे एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ, बट उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अगर आप पोजीशन एग्जीक्यूट करते तो मार्केट साइडवेज हो जाती और ये वर्क नहीं करता और आपके लॉसेस हो जाते। और जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट ने एक क्लोजिंग भी दी कैंडल की अराउंड 10:12 की कैंडल 8 दिसंबर को, और उसके बाद अच्छा खासा मूव नीचे के साइड आया है, तो यहाँ पे भी इसने वर्क किया है। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर तो किया बट उतना अच्छा मूव नहीं आया है यहाँ पे। मार्केट जैसे कि आप देख सकते हैं 7 दिसंबर को मार्केट ने नीचे से क्रॉस ओवर किया है 10:40 की कैंडल ने, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए था जबकि आया नहीं है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, और अगर आप इस पॉइंट पे इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करते तो आपको लॉस होता। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं December 6 को 12:25 की कैंडल ने जैसा कि इसको नीचे के ऊपर से क्रॉस ओवर किया है 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट तक काफी अच्छा मूव आया है, और सेम वापस से इसने नीचे से क्रॉस ओवर किया है अराउंड 1:45 की कैंडल ने, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का काफी अच्छा खासा मूव आया है, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्क कर रही है, अच्छी खासी वर्क कर रही है, बट ये साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं कर रही है। तो आई होप आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये रियल मार्केट में रियल टाइम में वर्क करेगी कि नहीं करेगी, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितने से जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे और जितना ज़्यादा लाइक आएगा तो हम उस हिसाब से इसको रियल मार्केट में भी टेस्ट करके देखेंगे, और उसके बाद हम इस पे वापस से एक वीडियो बनाएंगे, और आप अपने व्यूज़ भी 3:30 के फॉर्मूला पे शेयर कर सकते हैं। ये रियल मार्केट में कैसे वर्क करेगी ये तो मेरे को फिलहाल नहीं पता, मैंने इसे अभी रिटेस्ट नहीं किया है रियल मार्केट में, बट अगर आप सब चाहेंगे तो मैं इसे रियल मार्केट में भी टेस्ट कर लूँगा, बट उसके लिए आपको मिनिमम 100 लाइक्स एंड सेम अमाउंट में 100 कमेंट्स भी आएंगे। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो पे,
हम इसको रिटेस्ट करके आपको विद इन अ वीक्स दूसरी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आई होप आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं संडे की लेवल्स की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।